जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, ओडिया सुख संसार चैनल को आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। कन्या राशि, यही जो आसुची अक्टोबर नवंबर एवं डिसेंबर यही तीन मास भितरे कार्यरे सफलता मिलिब कि आपण जो काम भी करूछंती किंबा नुआ काम जदि किछि आरंभ करिवार जदि मनरे किछि प्लान करिछंती तो से कामरे सफलता मिलिब कि नाही ताहा ही मो आपण को जणेबी। देखंतु कन्या राशि, राशिर मालिक होउछंती बुधदेव। कन्या राशि बेले बहुत सुंदर थांती एवं यांको भितरे बहुत किछि भलो भलो गुण मध्य थाए, भलो व्यवहार थाए, माने समस्त सहित भल व्यवहार करते प्रथम तो मैंने निज पर बहुत भल पाई था आतटा जगार पर कर्तव्यटा इन ही बुझी था पर दायित्व कर्तव्य जहाँ भी थाए बेले बेले कन्या राशि वाले ही बुझी था। देखु निज पेरेन्ट्स को बहुत भल पाई था इन बहुत बुद्धिमान था बहुत चालाक था निजर कर्तव्य निजर जहाँ भी दायित्व अच्छे ठीक समय करते प्राय देखिए बिजनेस करने को अधिक पसंद करजनेस कार्यरे सफल न होवार कारण मुझक जन देखु जरूरी अधिक रु अधिक सामना लोक को समय देवा इमान सहित जी मिसी था से मैंने बहुत भाग्यवान था। हाँ मुझे कह कहीं इन जहाँ सहित भी मिसी था निजर काम छाड़ी तर गोटे डाकर ही पल कारण ये जहाँ सहित भी मिसी था बहुत ही निजर कर दिने भी या सहित कथा नए या मुंडा पूरा टेनसन अफ होता है तो जरूरी अधिक सामना लोक समय देवा निज कथा न भाविबा तो कौटि ना कौटि आपणकर समय तो नष्ट होता ही कार्यरे असफलता मिलता है। देखु ये समस्त को भल पाई था स्नेह आदर दे था कष्ट साजर भावि था प्राय मैंने जिते जहाँपाई कले भल ना न थाए सत्य अटे जिते जहाँ प्रति जिते दायित्व जिते जहाँ कले गोटे भल नाटे गोटे भल तारीफटे भी मैंने शुणा पाइन था सामना लोक ये साय कर निज कथा भूली जाती ये गोटे कारण कार्यरे सफल न होवार हाथ को टंका पैसा आसी थाए कि रही था बहुत कम यह सत्य अटे आम बहुत टंका पैसा कमे था निज हाथ में बहुत कम ही रखि था सब तो ये जहाँ को निजर कर खर्च करदे जदि काम सफलता चाहती तो टिके चालाक हवा को पड़ो इमोशनल ठार टे दूरे ही रहा पड़ो कारण आपण को प्राय बहुत जन निजर कष्ट कथा शुणे आपण को बहुत जन यूज कर यूज माने टंका पैसा मामलें कारण समस्ते जानी था आपण बुद्धिमान अटंती आपण भाग्यवान अटंती माँ लक्ष्मी कृपा आपण को उपरे थाए कारण बुधदेव आपण राशि मालिक टंका पैसा तो आपण निहाती कमे थांती किंतु आपण बैंक बैलेंस रे जदि हिसाब करी देखिबे काहा को अधिका देइछंती जदि देखिबे ना बाहरे लोकन को आपण अधिका देइथांती जहारो माने कष्ट दुख इमोशनल अरे आप भासी जाते ना अधिक साय कर निज पाखे कम था देखो साय करवा कथा जदि कहीं जो असुविधा अच्छा तो करवा कथा किंतु जाशु कि जहाँ पाखे अच्छी से मानने बेले बेले कौन हुए ना आप जाणि भी था जाशु भी अधिक खर्च करवा मतलब भल ना कारण आप फ्यूचर भी देखा कथा तो टी इमोशनल जब दूरे रे तो आपण भल रिजनेस भल चलने कार्य क्षेत्र में भल रही निज कार्य क्षेत्र जहाँ भी करजनेस जो कि करज किसी कंपनी फैक्ट्री किसी रखिंट तो भल रही के निज कार्य क्षेत्र में जहाँ भी कथा चलू ना बाहर कहतु ना यह गोटे आपण को बहुत बड़ा असुविधा पकड़ थाए कारण
ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାରେ ଯଦି ଆପଣ କହିଥାନ୍ତି ନା, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କି ନଜର ତ ପଡ଼ିଥାଏ, ତା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି କି ଏଇଟା ଏମିତି ନାହିଁ, ସେଇଟା ସେମିତି କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିବେ ସେଇଟା କୌଣସି ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଯାଇନଥାଏ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି କରିଥାନ୍ତି ନା, ସେଥିରେ ହିଁ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଆପଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, ତ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ତ ନିହାତି ଆପଣ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଆସି ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ଭୁଲ ଡିସିଜନ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବି ଖୁସିର କଥା ବି ନା ବାହାରେ କହିଲେ, ସେଇ ଖୁସିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହେପାକୁ ଯାଉଥିବା କାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜର ଇମୋସନାଲକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଉଚିତ। କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଯଦି ଡାକରା ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ କାମ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ତ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣେଶଙ୍କର ତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆପଣ ନିହାତି କରିବା ଉଚିତ। ଗଣେଶ ଦେବ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ବାଧା ବିଘ୍ନ ହରତାର ଦାତା। ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଟି କହିଦେଉଛି, ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ, ଓମ୍ ବ୍ରାମ ବ୍ରିମ ବ୍ରୋମ୍ସ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ, ଓମ୍ ବ୍ରାମ ବ୍ରିମ ବ୍ରୋମ୍ସ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଜପ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ଆସୁଥିବା ଅସଫଳତା ସବୁ ଦୂର ହେବ, ସଫଳ ଆପଣ ହେବେ। ଏବଂ ଟିକିଏ ନେଚର ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଛମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗଛମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ହଁ, ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ଧୂପ ଘାସ ନିହାତି ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କାମ ବନିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।